टोची जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में, कुछ बताइए क्या है ये पूरा इनिशिएटिव। ये मेरा बचपन का एक ख्वाब था जो नेचर से लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, और बचपन में जो पेड़ पौधे मैंने देखे हैं, मतलब 400-500 साल पहले वाले जो पेड़ थे उसको काटते हुए देखा है, तो वो जो तकलीफ थी मन में कि कोई अपने बेटे को कैसे काट सकता है, और किसी ने अपने बेटे को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया और हमने एक सेकंड में काट दिया, तो एक्चुअल में हम अपने बच्चों को ही काटते चले जाए। वही सोच मुझे लेकर के आई म्यूज़िक में, और मैं म्यूज़िक से जब गाना सीखना स्टार्ट किया तो गाना सीखते सीखते फिलॉसफी की स्टडी शुरू की, और वो भी खुद की फिलॉसफी। एक तो होता है दुनिया का स्कूल, एक होता है उस मालिक का स्कूल, वो सबसे बड़ी पढ़ाई होती है। वो पढ़ाई करते करते आया 91 में, सोचा था कि मैं बैंड बनाऊंगा, एक बैंड ऑफ बंदगी के नाम से। वो करते 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 मेरे दोनों स्टूडेंट्स आज मेरे साथ हैं, सीखे मेरे आज भी सीख रहे हैं, 12-13 साल हो गए, मेरा ब्रदर है, स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट हैं। बचपन से जो ख्वाब लिया था उसमें मेन पिलर खड़े हुए राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड, और गॉड का स्थान बन जाता है यहीं से। साइंतन जुड़ा, सोमूद आए, बॉम्बे आए, ये लोग जुड़ते चले गए। थिंकर्स 7 साल पहले मेरा शो कराया था, राहुल जुड़ा मेरे साथ, कर्मा जंक्शन जुड़ी, AK प्रोडक्शन हाउस जुड़ा इस प्रोजेक्ट के द्वारा, क्योंकि मैसेज बहुत लंबा था जो मैं लेके आया, वो मेरी सोच थी, उस सोच में इन्वॉल्व होते चले गए सारे, और एम्पायर बनता चला गया, और ये एम्पायर मेरे को वर्ल्ड म्यूजिक में लेके जाना है इंटरनेशनल लेवल पे, ताकि मैं यहाँ की बात जाकर के वहाँ कर सकूँ।